अब की बात कोरोना का ग्राफ कम होने के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मंदिरों में भक्तों की रौनक देखने को मिली। आर्मी इलाके में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं बीपीएस प्लेटेरियम और सनातन धर्म मंदिर में झांकियों की शोभा देखते ही बनती थी। जिला के सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। हालांकि मंदिर में कीर्तन की जिला एवं मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई इजाजत नहीं थी। जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहे उनमें से अधिकतर देखने में आया कि बहुत से श्रद्धालुओं ने मास्क भी नहीं लगाए हुए थे, जबकि पुजारियों का कहना था कि उन्होंने बाहर बोर्ड पर सरकार द्वारा जारी हिदायतें लिखी हुई थी। वहीं हर मंदिर के बाहर भीड़ नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की माने तो पिछली बार कोरोना के चलते लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना का डर कम होने से बेखौफ होकर सभी भक्त बिना मास्क के मंदिर में दर्शन करने लाइनों में लगे हुए दिखाई दिए। श्रद्धालुओं का ये भी कहना था कि उन्हें इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर प्रशासन ने मंदिर को अच्छे से सजाया है। वहीं भक्तों का ये भी कहना था कि अब की बार पिछली बार से बेहतर है। पिछली बार मंदिर में घंटी को छूने से मना किया गया था और किसी प्रकार का भी प्रसाद भी चढ़ाने से मना किया गया था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग अच्छे से दर्शन कर रहे थे और घंटी बजाकर अपने आराध्य देव को भी नमन कर रहे थे। सबसे पहले सभी भक्तजनों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करे। आज बहुत अच्छा संयोग है कि कृष्ण जन्माष्टमी पे अष्टमी तिथि भी है और साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र भी है। बहुत बढ़िया संयोग है, चंद्रवार भी है। हम कोरोना के नियमों के अनुसार सभी भक्तजनों को माथा टेकने के लिए कह रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और सभी लोगों को कहा गया है कि मास्क लगा करके सभी भक्तजन मंदिर में आएं ताकि कोरोना के नियमों का पालन हो सके और किसी भी प्रकार का किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आज बहुत अच्छा संयोग है, कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी भक्तजन भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें और